बिहार विधानसभा के रण को जीतने के लिए चुनावी सभाएं जोर पर गई। देश के दिग्गज नेता बिहार में रैलियों को संबोधित कर रहे, अपनी अपनी पार्टियों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। औरंगाबाद में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करने आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पहुंचे। इसी बीच भीड़ में एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। चप्पल सीधे उनके हाथ को छूते हुए गोद में जा गिरी। घटना के बाद सभा में हंगामा मच गया। ट्राईसाइकिल पर बैठे दिव्यांग ने मंच के नीचे से फेंकी चप्पल। बताया जाता है कि कुटुंबा के बबंडी में मंगलवार को तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर मंच के नीचे भीड़ से एक दिव्यांग युवक ने दो चप्पल फेंकी। एक चप्पल उनके पीछे जा गिरी, जबकि दूसरी चप्पल उनके हाथ को छूती हुई गोद में जा गिरी। चप्पल फेंकने के बाद मंच पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। चप्पल फेंकने वाला दिव्यांग सभा में अपनी ट्राईसाइकिल पर बैठा था। चप्पल फेंकने के बाद वह विरोध में नारेबाजी भी कर रहा था। तेजस्वी ने दिव्यांगों को देखकर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील की। घटना के बाद तेजस्वी यादव ने दिव्यांग से बात भी की। हालांकि दिव्यांग को पुलिस बलों ने सभा से बाहर निकाल दिया।